नमस्कार पुण्य श्लोक के लवाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या अपनी सहेली शारजा के साथ में दही बेचने जाती है और फिर क्या होता है। रायबा मिलता है, रायबा हालचाल पूछता है शारजा का और फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिर देवी अहिल्या देखती है एक महिला, वृद्ध महिला होती है, कुछ बर्तन और कुछ सब्जियां बेच रही होती है, क्योंकि बाजार में वो लोग थे, व्यापार के सिलसिले में ही गई हैं, वो भी दही बेच रही हैं। और आसपास देखते हैं कौन कहाँ क्या कर रहा है, गाँव का हालचाल भी वो जानना चाहती हैं साथ में। फिर उस महिला से बात करती हैं, वो मिट्टी के बर्तन उसके पास थे उनके बारे में पूछती है कि कितने के, वो कहती है तो मेरा बेटा बताएगा। बेटा क्यों बताएगा? वो कहती हैं क्योंकि घर का जो पुरुष होता है वही तो मुखिया होता है, और पहले बाबा साहेब करते थे उनके, उसके बाद में पति करते थे और अब बेटा करता है, वो तो सिर्फ बनाती है। फिर बेटे को बुलाती है, बेटे को कहती है साड़ी लेना चाहते हैं, बेटा मोल भाव करता है, देवीला कुछ पैसे देती है उनको, और तभी बेटा उस महिला के हाथ से ले लेता है। वो कहती है बनाती तो आप हैं, तो कहती है लेकिन फिर भी पैसा तो मुखिया के हाथ में ही होता है। ठीक है, देवीला कहती है कल ले जाएंगे क्योंकि मैं सारे तो नहीं खरीद पाऊंगी, लेकिन जहाँ जो मेरे मालिक है जहाँ मैं काम करती हूँ वो बहुत बड़े आदमी अमीर आदमी है, तो वो सारे खरीद लेंगे, इसलिए मैं ले जाऊंगी ये और कल आपसे लेके जाऊंगी। तभी एक इंसान मिलता है और कहता है रुकिए जरा, देखिए मैं सोच रहा हूँ, काफ़ी देर से आपकी तरफ देख रहा था, मुझे लगता है कि मैं आपको जानता हूँ, देखा है आपको। फिर देवेहल्या चुपचाप खड़ी रहती हैं, शारजा भी सोच रही हैं क्या कहूँ क्या कहूँ। तभी वो कहता है कि आपकी शक्ल किसी से मिलती है, और आपकी शक्ल, तभी उस स्त्री, मतलब स्त्री जो है होती है थोड़ी कि हाँ पति किसी महिला से बात कर रहा है, तो फ़ौरन आवाज़ लगाती है उस आदमी की पत्नी और कहती जल्दी आइए और भी बहुत सारे काम हैं। इंसान वो वहाँ से चला जाता है, देवीला कहती है तो चला गया वरना पहचान जाता, अच्छा हुआ। फिर आगे बढ़ती है, कहती है अब काम करते हैं जिस काम के लिए आए हैं। फिर जाते हैं एक इंसान के घर में, कौन इंसान? वो जो मारा गया धनाजी के हाथों, जिसने बता दिया था धैर्य से, अब धैर्य से क्या हो सकता है। उसके घर जाते हैं, ताला लगा हुआ होता है, शारजा देखती है ताला लगा है, देवीला कहती है अब क्या करें, अंदर तो कोई नहीं है, किसी पड़ोसी को बुलाते हैं, पूछते हैं कि ये कहाँ गया। फिर शारजा कहती है कि मैंने इनसे उधार लिया था पैसे देने हैं। वो कहते हैं अच्छा हुआ तुम्हारे पैसे बच गए, ये तो 3 दिन से गायब है यहाँ से पूरा परिवार। फिर पूछती कोई, देवीला पूछती कोई रिश्तेदार हुआ आप जानते हो? कहते ये ज़्यादा बात नहीं किया करता था बस्ती वालों से, किसी से भी गाँव वालों से, और ना ही हमारा भी इतना बोलचाल नहीं था इसके साथ में, अजीब है, पता नहीं क्या काम करता था, अलग ही उसमें रहा करता था पूरा परिवार इसका, और अब अचानक से गायब हो गए, किसी को नहीं पता कहाँ गए हैं। ठीक है, देवीला कहती है चलो चलते हैं, कुछ काम नहीं बना, अब भला मैं किस तरीके से तफ्तीश करूँ क्या करूँ, चलो जाते हैं। और वहाँ क्या हो रहा होता है महल में, महल में आग लगाने के लिए पहुँच रही होती है यमुना बाई। उससे पहले मल्हार राव सुबेदार जी बात कर रहे होते हैं उन चारों पत्नियों के साथ में, उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप रहे होते हैं, किसी को खजाने के सौंप रहे होते हैं, तो किसी को जो मरम्मत हो रहे हैं या फिर जो भी काम करना है, कुछ बदलाव करने हैं महल में, वो सारे काम द्वारे भाई साहब को सौंपे जाते हैं। बाना भाई साहब को जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई ऐसे करना, बाग में जो भी फल लगाने हैं, फल के पौधे लगाने हैं, सब्जियों के पौधे लगवाने हैं, फूल के लगवाने हैं, वो देख लीजिएगा। फिर उनको कह करके निकल जाते हैं, खुश होती हैं सारी रानियाँ। आह बस थोड़ी घबरा गई है बाना भाई साहेब, क्योंकि पता ही नहीं क्या सब्जी होती है, क्या फूल होता है, क्या फल होता है, उन्हें तो बस इधर की उधर में मज़ा आता है, घूमती रहती है, पूछ उन्हें द्वारका भाई साहेब की अब क्या करें। फिर देवी अहिल्या की सासू बाई कहती हैं, यानी का साहेब गौतम सरकार, कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम चिंता मत करो मैं हूं ना। ठीक है, वो खुश हो जाती है। और फिर रास्ते में याद आता है किसी मल्हार राव सुबेदार जी को कि अरे मैं तो बताना ही भूल गया, मकर संक्रांति पर जो सैनिक होते हैं उनके परिवारों को तो भेंट दी जाती है। वापस आते हैं गौतम साहेब को बताने के लिए, तभी सुनते हैं, क्या सुनते हैं, यमुना बाई बता रही होती है कि मैं गई थी देवी अहिल्या मंदिर में गई, मगर ध्यान कक्ष में नहीं गई, वहां से पता नहीं कहाँ गई। तभी गौतम भाई साहिब कहती हैं कि तुम्हें किसने अधिकार दिया देवी अहिल्या की जासूसी करने का? फिर वो कहती है अक्का साहिब मैंने दिया। दरबार साहिब कहती है मैंने कहा था, और वो थी क्यों? वो कहती इसलिए क्योंकि वो आप इतनी अच्छी सासू बाई हैं और आपको मजाक बनाती रहती है, आपने उसकी परवरिश की, आपने ये किया वो किया, मगर वो हमेशा आपको धोखा देती है। मैं बताना चाहती थी आपको कि वो आपको मजाक बनाती है, आप कुछ भी नहीं समझती। और ये सारी बातें सुन रहे होते हैं मल्हार राव सुबेदार जी, और कहते हैं इनका कुछ नहीं हो सकता। चले जाते हैं वहाँ से, और फिर क्या करते हैं, फिर एक बड़ा फैसला लेते हैं जो लग रहा था उसी दिन के दरबार में लेंगे, मन में इनके आ चुकी है मगर मन में नहीं थी उस वक्त, मन में अब आई है। वो कहते हैं गंगू बताते को कि बता दो तुको जी को कि वो अकेले जाएंगे इस मुहिम पर और लायक हैं, वो कर सकते हैं, मैं जानता हूँ, अकेले संभाल लेंगे, और मैं नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अहिल्या देवी को जरूरत है मल्हार राव सुबेदार जी के साथ की, क्योंकि महल में कोई और उनका साथ देगा नहीं। ठीक है, गंगुआ कहते हैं ठीक है, आज जैसी आपकी मर्जी, आप सही सोच रहे हैं। देवी अहिल्या जैसे ही फिर अपनी पालकी में पहुंचती है महल में, तो क्या होता है, गंगू बताते तेज कदमों के साथ में जा रहे होते हैं, उन्हें रोकती है कि आप कहाँ जा रहे हैं इतने तेज तेज? वो कहते हैं आपको नहीं पता, धैर्य से जो आपने गुत्थी सुलझाई थी वो गुत्थी, वो पहेली पूरी तरीके से सुलझ चुकी है, और धैर्य से धनेश्वर
जी हाँ, वो पकड़ा जा चुका है जो सूत्रधार है मुख्य इस हत्याकांड का, जघन्य हत्याकांड का। फिर वो भी देवी अहिल्या भी दरबार में पहुंच जाती है और क्या देखते हैं, इंसान होता है पकड़ रखा होता है सैनिकों ने उसको, और जब पूछते हैं मल्हार राव सुधार जी उससे पहले ही खड़े होकर के कहते हैं, धन सरदार आप मतलब कि आज्ञा दें, उससे पहले आपको बता दूं क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं भी अभिन्न हूं इस दरबार का और मुझे लगता है कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया और सफलता प्राप्त की है इसमें। इतना बड़ा जो अपराधी उसको पकड़ लिया है और इसने जो हमारे हाथ में देवी अहिल्या के हाथ में जो लगा था एक सुराग उसको खत्म कर दिया था इसने, मगर ये पकड़ा गया, भागना चाहता था मगर मैंने पकड़ लिया इसको और मैंने अपनी मतलब कि जो ईमानदारी के साथ में अपना काम निभाया है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए। फिर वो कहते हैं यही है, यही वो राक्षस है जो किसानों को मार गया, उनसे लगान लिया करता था। फिर वो खड़े हो जाते हैं मल्हार राव सुधार जी और आते हैं पास में, कहते हैं क्यों किया तुमने, वो बताता है कि लालच में आकर किया। वो कहते हैं तुम कोई बड़े पद पर नहीं हो, इस पद पर भी नहीं हो, तुम्हें जानकारी हो लगान की। तो कहते हैं मैं घूमता रहता था, अमीर बनना चाहता था जल्द, इसीलिए घूमता रहता था चावड़े के आसपास, और फिर दिन गुरु जी साहेब को सुना कुछ लोगों से बात करते हुए लगान के बारे में, वो उनको बता रहे थे क्या क्या नियम है क्या क्या करना है। तब मैंने सोचा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैंने 8 लोगों का दल बनाया और फिर बस अंजाम दिया। वो धनेश्वर कहता है कि किसी को क्या पता चलेगा इतने बड़े राज्य में कि कौन सरकारी आदमी है और कौन ऐसे ही लूट रहा है। बस यही किया मैंने क्योंकि जल्दी अमीर बनना चाहता था। धना सरदार अपनी शेखी बगाड़ रहे थे और वो अपना अपराध स्वीकार कर रहा था। इसी बीच मल्हार राव सुधार जी तलवार खींच लेते हैं और उसकी गर्दन पर लगा देते हैं और कहते हैं हमारा मन कर रहा है तुम इसे वक्त ख़त्म कर दें, मगर तुम्हें सबके सामने जो है गांव के सामने सूली पर चढ़ाया जाएगा, तुम्हारा अपराध बहुत जघन्य अपराध है। वो कहते हैं इससे पहले कि गंगवा तात्या मैं इसको यहीं ख़त्म कर दूँ, इसको ले जाओ यहाँ से और तैयारी करो, इसे गाँव में सबके सामने सूली पर चढ़ाया जाएगा। अब धना सरदार खुश हो रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने जो मसला था सुलझा दिया है।